हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। डेटा एंट्री फॉर्म की बात कर रहे थे तो अलग से डेटा एंट्री फॉर्म के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास एक रिकॉर्ड है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। आप यहाँ पर केवल हेडिंग ही मैंने रखी है और इसके पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर फॉर्म बनाए हैं। अब ये फॉर्म आपको दिखेगा कहाँ, ये देखिए, ये क्विक एक्सेस जो टूल बार है यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म आपको दिखेगा। कब दिखेगा, जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट किया और यहाँ पर गया तो ये फॉर्म आपको दिखेगा। ये देख सकते हैं C2 नाम से ये फॉर्म जो है आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब इस फॉर्म में जब भी आपको एंट्री करनी है तो यहाँ पर न्यू एंट्री करनी है, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ इम्प्लॉई आईडी, यहाँ पे E012 कर देता हूँ, कैपिटल में लिखेंगे E012, ये 12 लिखा, फिर यहाँ पे आया इम्प्लॉई का नाम लिख दिया हमने गुंजन कर देते हैं, गुंजन ये लिख दिया इम्प्लॉई का नाम। और फिर यहाँ पर आए ग्रेड ए लिख देते हैं, ग्रेड ए को 1000 रुपया, सैलरी जो है इनकी 15000 होती है और यहाँ पर बोनस जो मिलेगा उनको 1000 रुपये मिलेगा, तो ये यहाँ पर आए और ये हमने एंट्री पास करा दी, ठीक है। अब ये पास कराने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से क्लोज करेंगे, ये क्लोज किए, क्लोज कर दिया, तो ये देखेंगे कि यहाँ पर एंट्री अपने आप आ गई। ये देख सकते हैं जब पूरे डेटा को आप सेलेक्ट करेंगे, पूरे डेटा को सेलेक्ट करके जाना है, तब आपको ये इस तरीके से नजर आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, फाइंड नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तो सारी एंट्रीज जो जो हुई हैं वो सारी ही एंट्रीज दिखाई पड़ेगी। ये लास्ट वाली एंट्री आपको दिख रही है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, ये बहुत आसान है, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था इसके लिए। तो देखिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम ये हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ हेडिंग को ऑलरेडी मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको एंट्रीज करनी है तो क्या करना है, तो जहां भी एंट्री करनी है उस हिस्से को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, सीधा सीधा आपको होम टैब पे जाना है, होम टैब पे आ गए, एक्सेल ऑप्शन पे जाना है और यहां से कस्टमाइज पे जाना है। कस्टमाइज पे जाने पर यहां से आप कर लीजिएगा ऑल कमांड्स, जैसे ही ऑल कमांड्स करेंगे तो आपको यहाँ फॉर्म की तलाश करनी है। फॉर्म देखिए कहां पर आएगा, जहां पर भी फॉर्म आएगा वहां पर जाकर के उस पर कर देना है आपको क्लिक। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये फॉर्म हमें मिल रहा है, तो ऑलरेडी हमने ऐड कर रखा है, आप चाहे तो अलग से भी ऐड करवा सकते हैं, तो ये ऐड करवा लीजिएगा फॉर्म को, ठीक है। तो ये फॉर्म ऐड करवाया, यहाँ से ओके कर दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे दो दो फॉर्म आ गया, एक पहले वाला है और एक ये नया वाला। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये कह रहा है यहाँ से ओके करिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपनी एंट्रीज करते चलिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉई आईडी 01 कर देते हैं, फिर यहाँ पे एम्प्लॉई का नाम राम कर देते हैं, फिर यहाँ इनका ग्रेड कर देते हैं बी, ठीक है। तो बी ग्रेड को जो सैलरी मिलती है वो यहाँ पे डाल दीजिए, 10000 रुपए यहाँ पे डाल देते हैं। बोनस इनका कर देते हैं 800 रुपए यहाँ पे डाल देते हैं, ये हो गया, ये एक एंट्री हो गई ना। अब फिर नई एंट्री पे आते हैं, तो नई एंट्री पे जैसे ही आएंगे तो एक एंट्री ऊपर यहाँ आ गई है, ठीक है। अब नई एंट्री करनी है दूसरी, बाकी इनकी एम्प्लॉई आई डी कर देते हैं 002, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं ग्रेड कर देते हैं ए, और यहाँ पर आते हैं तो सैलरी कर देते हैं 15000, ठीक है। और यहाँ पर जो बोनस है वो मिलेगा इनको 1000 रुपए, तो ये 1000 रुपए बोनस कर देते हैं। इस तरीके से आप डाटा एंट्री करते चले जाएंगे, डाटा एंट्री कुछ इसी तरीके की होती है, ठीक है। अब यहाँ थर्ड वाली बात है तो थर्ड वाली करेंगे, फोर्थ वाली बात है तो फोर्थ वाली करेंगे, इसी तरीके से आप करते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं आप, देखिए ये फॉर्म बनेगा कैसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये फॉर्म बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।